हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, स्वागत है फिर से एक बार राहुल बंगरे ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल वैकेंसी के बारे में। ओके, हर बार जो फार्मा वैकेंसी होती है वो हम अपने चैनल पर सबसे पहले लाते हैं, ताकि अपने जो व्यूअर्स हैं उनको सबसे पहले पता चले कि किस कंपनी में कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी हुई है। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि अगली जो भी वैकेंसी है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं फार्मा वैकेंसी के बारे में। तो देखिए दोस्तों, दसवीं लैब प्राइवेट लिमिटेड, ओके, इस कंपनी की वैकेंसी जारी हुई है, वो की है प्रोडक्शन के लिए, ओके, ईएचएस के लिए है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के लिए है, ओके। तो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए क्या है वैकेंसी है जो जारी हो चुकी है। तो इसके लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है, अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ओके। जो कि आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है वो है प्रोडक्शन के लिए, अगर आपको 1 से लेकर के 8 ईयर्स तक अगर आपको एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ओके। देन आपको ईएचएस के लिए अगर अप्लाई करना है तो बीटेक क्वालिफिकेशन चाहिए। बेसिकली प्रोडक्शन के लिए आपको बीएससी केमिस्ट्री मांगा गया है और एमएससी केमिस्ट्री है अगर आपका क्वालिफिकेशन, तो आप प्रोडक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ओके। 1 से 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस उसके साथ में आपको मांगा गया है। देन क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, इसमें बीएससी केमिस्ट्री एमएससी केमिस्ट्री अगर आपका क्वालिफिकेशन है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस यहाँ पर 1 to 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ओके। देन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए अगर आपका आईटीआई हुआ है, डिप्लोमा है आईटीआई में, ओके, और 2 से 5 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो इंटरव्यू डेट है, ओके, वो है 25 जून 2023, यानी संडे को है, ओके। तो छुट्टी का दिन है, आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। आपका डायरेक्टली क्या होगा, वहाँ पर इंटरव्यू शेड्यूल किया जाएगा, ओके। वेन्यू है इसका हेटेरो कॉर्पोरेट 7282 इंडस्ट्रियल स्टेट संत नगर, अपोजिट ऑफ पुलिस स्टेशन हैदराबाद, ओके। ये जो वैकेंसी है ये हैदराबाद के लिए जारी हुई है, ओके। डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, आपका अपडेटेड रेज्यूम आपको साथ में लेके जाना है, उसके साथ में आपका पासपोर्ट साइज फोटो साथ में लेके जाना है, एक एजुकेशनल सर्टिफिकेट की कॉपी आपको साथ में लेके जाना है, ओके। तो जो भी कैंडिडेट क्या इसके लिए इंटरेस्टेड है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको अगर ये पूरी पिक्चर चाहिए तो मैं आपको ये कम्युनिटी बॉक्स में मेरे अपलोड कर दूंगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं, ओके। देन उसके बाद हम देखेंगे सेकंड जो वैकेंसी निकली है, ओके, वो है कोवैलेंट लेबोरेटरीज, ओके। सभी को पता होगा हैदराबाद सिकंदराबाद की जो कोवैलेंट लेबोरेटरी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, इसके लिए भी क्या है वैकेंसीज जारी हो चुके हैं, ओके। जिसमें आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है, अगर आपको फ्रेशर है तो फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस है 5 साल तक का तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, अगर डिप्लोमा है आपका केमिकल में या फिर बीएससी है केमिस्ट्री में, ओके, तो आप क्या कर सकते हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंट प्रोडक्शन है, ओके, और आपको जो अप्लाई करना है, ओके, तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 20 जून से लेकर के 29 जून, ओके, 9:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, आपका इंटरव्यू वहाँ पर शेड्यूल किया जाएगा, ओके। कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट करने के लिए आपको मैं मेरे कम्युनिटी बॉक्स में इसका जो भी पिक्चर है जो भी डिटेल्स है वो मेरे कम्युनिटी बॉक्स में अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ओके। देन उसके बाद हम देखेंगे नागपुर के लिए वैकेंसी जारी हुई है, ओके। तो नागपुर के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आप नागपुर के लिए भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर भी नंबर ऑफ पोस्ट के लिए क्या है वैकेंसी जो है वो जारी हुई है, ओके, जिसमें कि है क्यूसी रिव्यूअर, ओके। अगर आपको क्यूसी रिव्यूअर का एक्सपीरियंस है तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर के लिए वहाँ पर वैकेंसी है, इलेक्ट्रिशियन के लिए है, R&D केमिस्ट के लिए है, SCO एग्जीक्यूटिव के लिए है, PPIC हेड के लिए वैकेंसी जारी हो चुकी है, असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए फिर वहाँ पर वैकेंसी है, ओके। क्यूसी के लिए है, ओके, क्यूसी में अगर आप इंटरेस्टेड है क्यूसी केमिस्ट्री के लिए तो वहाँ पर भी वैकेंसी है। आपको सिंपली क्या करना है, अपना जो भी रेज्यूम है वो वहाँ पर क्या है उनको सेंड करना है kalyani.wankhede@nitikaparma.com पर, आप उसको अपना रेज्यूम जो है वो मेल कर सकते हैं, ओके।
पूरी डिटेल के लिए कम्युनिटी बॉक्स चेक कीजिए, ओके वहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो ये कुछ आज की जो लेटेस्ट ओपनिंग थी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो आज हमने डिस्कस किया है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चले कि कहाँ पर कौन सी वैकेंसी जारी हो चुकी है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।